रात का समय था, गांव के सब लोग सोए हुए होते थे। एक चुड़ैल रात में घने जंगलों से होते हुए गांव की तरफ आती थी। वो चुड़ैल देखने में बहुत ही डरावनी थी। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। वो गांव वालों को अकेला पाकर उठाकर अपनी अंधेरी सी टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाती और उन्हें मार कर खा जाती। अब गांव वाले रात को छिपकर रहने लगे थे। एक दिन, क्या बात है, आजकल कोई शिकार नहीं मिल रहा है, बहुत भूख लगी है। चुड़ैल भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी समय एक औरत घर से बाहर निकलकर कपड़े ले रही थी। तभी चुड़ैल उसे अपने पंजों में दबाकर उड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक भूत जो उस जंगल में रहता है, वो अपना हुलिया बदलकर एक इंसान के रूप में गांव में अपने लिए एक दुल्हन को ढूंढने आता है। भूत ऐसा कई दिनों से कर रहा था, पर उसे कोई लड़की नहीं मिल रही थी। एक दिन वो अपना हुलिया बदल कर आता है तो, आज तो मैं अपने लिए लड़की ढूंढ कर ही रहूंगा, और अगर नहीं मिली तो किसी भी औरत को उठा कर ले जाऊंगा। ये सोचकर वो गांव में तलाश जारी करता है। उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है जो कि बहुत ही डरावनी होती है। एक औरत घर से बाहर निकलकर सूखे कपड़े ले रही होती है। तभी चुड़ैल उसे अपने पंजों में दबाकर उड़ जाती है। भूत छिपकर ये सब देख रहा होता है। मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे बुरा और बदसूरत मैं ही दिखता हूँ। ये चुड़ैल तो मेरे से भी कई गुजरी है। ये इस औरत को कहाँ लेकर जा रही है, मुझे पता लगाना चाहिए। भूत उस चुड़ैल का पीछा करता है। चुड़ैल उस औरत को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाती है। भूत देखता है कि वो चुड़ैल उस औरत को कच्चा ही खा जाती है। उस औरत को कच्चा खाने के बाद चुड़ैल जोर जोर से हंसती है और बोलती है, मजा आ गया, आज तो बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला, अब अच्छी नींद भी आएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सो जाती है। चुड़ैल को सोता देख मन ही मन में भूत एक तरकीब सोचता है। अगर मैं इस चुड़ैल से ही शादी कर लूं तो क्या दिक्कत है, शादी के बाद मैं और ताकतवर बन जाऊंगा, और ताकतवर होने की वजह से मैं भूतों का राजा भी बन जाऊंगा। मेरे पास ताकत न होने की वजह से किसी ने भी मुझे भूतों का राजा नहीं बनाया। ऐसा कहकर भूत वहां से चला जाता है। अगली रात चुड़ैल के जाने के बाद भूत झोपड़ी को बहुत ही अच्छे से सजा देता है और उसके आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है और झोपड़ी के अंदर जाती है तो सजावट देखकर बोलती है, अरे वाह, क्या ये मेरी ही टूटी फूटी झोपड़ी है, यकीन नहीं होता, किसने इसे इतने अच्छे सजाया है, ऐसा किसी ने मेरे लिए कभी नहीं किया। ये सब सुनकर भूत आदमी का रूप ले लेता है और उस चुड़ैल के सामने आता है और बताता है कि ये सब उसने किया है। ये सारी सजावट मैंने तुम्हारे लिए की है, तुम बहुत सुंदर हो, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। चुड़ैल भूत में बदले हुए आदमी को प्यार से देखती ही रहती है। क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सही में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। बिल्कुल सही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। दोनों शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। शादी रात में ही रखी जाती है। चुड़ैल भूत की मंशा को जान नहीं पाती और तैयार होकर मंडप में बैठ जाती है। उधर भूत भी अपने नकली भूत रिश्तेदार के साथ इंसान के रूप में आ जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। भूत चुड़ैल को अपने घर ले जाता है। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा भी है, ये किसी महल से कम नहीं है, मगर इतने घने जंगल के बीच में ऐसा महल कैसे, और तुम तो इंसान हो तो तुम जंगल में अकेले क्यों रहते हो, तुम्हें तो सबके साथ रहना चाहिए। क्या बात है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब चुड़ैल इतनी सारी बातें पूछती है तो वो भूत घबरा जाता है और अपने असल रूप में आ जाता है। अब दरअसल मैं एक भूत हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मेरे पिता भूतों के राजा थे, किसी साजिश की वजह से उनकी हत्या हो गई, मैं भी उनकी तरह भूतों का राजा बनना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है, इसलिए किसी ने मुझे भूतों का राजा नहीं बनने दिया, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी करने का मन बनाया। धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने अपने फायदे के लिए मुझसे शादी की, मैंने तो तुम्हें अपना पति मान लिया था, पर अब मैं एक धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। तभी चुड़ैल के पति को मारने के लिए वहाँ बहुत सारे भूत आ जाते हैं। रुको, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये सब मुझे भी मार देंगे, मेरे पिताजी की तरह, मेरा साथ दो, रुक जाओ।
तुम विश्वास के लायक नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सब कहकर चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है। तभी भूतों की टोली चुड़ैल के पति को मारने लगती है। उसे भूत की ऐसी हालत देखकर दया आ जाती है। अगर इन सब ने मिलकर इनको मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। मुझे अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए। अगर इन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी इनके साथ ऐसा ही करूं। चुड़ैल अपनी शक्ति से उन सब भूतों को मार डालती है। ये सब देखकर भूत को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, पर अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सब सुनकर चुड़ैल को भूत पर दया आ जाती है। और तभी एक बूढ़ी चुड़ैल सामने आकर कहती है, आज तुम अपने श्राप से मुक्त हो गई हो। तुम एक बहुत सुंदर लड़की थी, पर तुम बहुत घमंडी थी और तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड था और तुमने हम चुड़ैलों का मजाक बनाया था, इसलिए तुम्हें ये श्राप मिला कि तुम चुड़ैल बन जाओगी। और जब कोई तुम्हारे इस चुड़ैल रूप से प्यार करेगा, उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। ऐसा कहने के बाद वो बूढ़ी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और चुड़ैल एक सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। उसे देखकर भूत कहता है, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो, मैं तो बहुत ही बदसूरत हूँ। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा कहकर वो भूत के गले लग जाती है। उसके बाद दोनों प्यार से रहने लगते हैं। रात के 12:30 बज रहे थे। दिनेश अपने दोस्त पंकज के साथ नाइट शो देखकर घर वापस लौट रहा था। उनकी बाइक फुल स्पीड में सुनसान सड़क पर बढ़ी जा रही थी। वे दोनों फिल्म के बारे में ही बातें करते हुए जा रहे थे। भाई क्या काम किया है अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में, एकदम छा गया वो। देखना अब हिंदी फिल्मों के हीरो की वाट लगा देगा वो। हाँ यार, मैं तो फिल्म की हीरोइन का फैन हो गया। क्या नाम था उसका? नाम कटरीना, कटरीना था क्या? कटरीना तो हिंदी फिल्मों की हीरोइन है, वो हीरोइन तो साउथ की थी। तभी रास्ते में पंकज को जोर का सूसू आ जाता है। वो दिनेश से बाइक रोकने के लिए कहता है। दिनेश अपनी बाइक रोकता है। तू 2 मिनट रुक, मैं दूर उन झाड़ियों में हल्का होकर आता हूँ, ठीक है? पंकज झाड़ियों में हल्का होने लगा। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई और उसे किसी के गुर्राने की आवाज आई। अरे ये कौन गुर्रा रहा है? कुछ देर बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। पंकज अपने पैंट की जिप बंद करके अपने दोस्त के पास जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, उसे वहाँ पर एक औरत का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। उस सिर को देखकर लग रहा था वो किसी नई दुल्हन का सिर है। दिनेश भाई यहाँ जल्दी से आ, देख यहाँ किसी औरत का कटा हुआ सिर है। दिनेश ने जब अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो भागता हुआ उसके पास आया। पंकज क्या हुआ? तू चिल्ला क्यों रहा है और कहाँ है औरत का कटा हुआ सिर? पंकज अपनी आंखें बंद किए हुए झाड़ियों की ओर इशारा करता है। दिनेश मोबाइल की रोशनी में झाड़ियों की ओर देखने की कोशिश करता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देख पंकज उससे पूछता है, भाई क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? कटे हुए सिर को देखकर हंसी आ रही है भाई। अरे तू पागल हो गया क्या? कटे सिर को देखकर हंसी किसे आती है? एक काम कर, तू भी एक बार देख ले, क्या पता तुझे भी हंसी आ जाए। डरते हुए पंकज झाड़ियों की ओर देखता है तो वहाँ उसे कटा हुआ नारियल दिखाई देता है। देख लिया, यही वो कटा सिर है ना जिसे देखकर तेरी पतलून गिली हो रही थी? तो भी ना, एक नंबर का डरपोक है। पंकज घूर घूर कर नारियल की ओर देख रहा था और सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने यहाँ एक औरत का कटा हुआ सिर देखा था, फिर ये नारियल कहाँ से आ गया? कहीं मैंने अंधेरे में इस नारियल को ही तो कटा हुआ सिर नहीं समझ लिया? कई सवाल पंकज के दिमाग में थे लेकिन जवाब एक का भी नहीं था उसके पास। अब घर चले, तेरे चक्कर में बहुत लेट हो गया है। झाड़ियों से निकलकर वे दोनों बाइक की ओर जा रहे थे तभी दिनेश पंकज से कहता है, पंकज एक बात बता। हाँ बोला। भाई तुमने कुछ देर पहले जो कटा सिर देखा था वो ये तो नहीं है? ये कहकर दिनेश अपने हाथों में पकड़े एक कटा हुआ सिर पंकज को दिखाता है। उस कटे सिर से खून भी टपक रहा था। उस सिर को देखकर पंकज तेजी से वहाँ से भागने लगता है। बचाओ। पंकज भागता हुआ सड़क पर आ जाता है। वो देखता है कि उसका दोस्त दिनेश वहाँ पर बाइक लेकर खड़ा है। दिनेश उसकी हालत देखकर उससे कहता है, अरे कहाँ रह गया था तू, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, चला बैठ गाड़ी में। तू यहाँ है तो फिर वहाँ झाड़ियों में मेरे पास कौन आया था? झाड़ियों में? ये तू क्या बक रहा है? मैं बक नहीं रहा, वहाँ झाड़ियों में कटा हुआ सिर लेकर तू ही तो खड़ा था। मेरी समझ में सच में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं तो कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, मैं कब आया झाड़ियों में? तभी पंकज एक बार फिर झाड़ियों की ओर देखता है तो उसे वहाँ पर दिनेश खड़ा दिखाई देता है जिसके हाथों में एक औरत का कटा हुआ सिर होता है।
उसे देखकर पंकज बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाता है जहां उसकी माँ और पापा टेंशन में बैठे हुए थे। माँ माँ, अपने बेटे को होश में आया देखकर उन दोनों के चेहरे पर राहत दिखती है। तू ठीक है ना बेटा, तू ठीक है ना? सिर में बहुत दर्द है माँ। माँ दिनेश कहाँ है, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तब पंकज की माँ ने उसे जो बताया उसे सुनकर उसका सिर चकराने लगा। बेटा, दिनेश तो अब हमारे बीच नहीं रहा। 4 दिन पहले तुम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। तुम 4 दिन से बेहोश थे। तुम्हारा दोस्त दिनेश उस एक्सीडेंट में मारा गया। दिनेश मर गया? हाँ बेटा, बड़ा ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था तुम लोगों की बाइक का। ये तो भगवान की कृपा है जो तुम उस एक्सीडेंट में बाल बाल बच गए। कुछ दिनों बाद पंकज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया, लेकिन घर पर उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी। एक रात की बात है, पंकज को नींद नहीं आ रही थी। वो कमरे में लगे पंखे को घूर घूर कर देख रहा था और उस दिन हुई घटना को याद भी कर रहा था। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस दिन मेरे साथ हुआ क्या था, मेरा दोस्त दिनेश कैसे मर गया। वो ये सब सोच रहा था और पंखे की ओर घूर रहा था, तभी उसे पंखे पर वही सिर लटका हुआ दिखा। अरे ये तो ऐसी औरत का सिर है, ये मेरे घर में कैसे आ गया? तभी अचानक वो सिर उसकी छाती पर गिर गया। पंकज चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा। माँ माँ, पिताजी, मेरे कमरे में कोई है, पिताजी मेरे कमरे में कोई है। पंकज के माँ और पिताजी भागे भागे उसके पास आए। पंकज अपने पिता को पकड़ लेता है और हांफते हुए कहता है, पिताजी पिताजी, मेरे कमरे में एक कटा सिर है, किसी औरत का कटा सिर। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पिताजी, कटा सिर, वही सिर जो उस दिन मैंने सड़क किनारे झाड़ियों में देखा था, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। पंकज की माँ और पिताजी उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। बेटा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। माँ, उस दिन भी मेरे साथ यही सब हो रहा था, मैंने अभी अभी वो कटा सिर देखा है। माँ मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे सिर की कसम खाता हूँ। उसके बाद पंकज ने अपने माता पिता को उस दिन हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया, जिसे सुन उसके माँ पापा भी चौंक गए। पंकज, जरूर उन झाड़ियों में कोई राज छिपा है, हमें उसका पता लगाना होगा। पंकज की माँ अपने पति और पंकज के साथ उसी जगह पर पहुँची। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। वो वापस लौटने ही वाले थे कि तभी पंकज की चीख उन्हें सुनाई। माँ माँ, वो कटा सिर यहाँ है। पंकज की माँ और पापा भागते हुए उस ओर गए। वहाँ पर सच में कटा का सिर पड़ा था। माँ, यही है वो सिर जो मुझे बार बार दिख रहा है, मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी उस सिर में हलचल दिखाई दी और वो कटा हुआ सिर हवा में उड़ने लगा। उसे देख सभी डर गए। कौन हो तुम? मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि मुझे तेरे बेटे से शादी करनी है। मेरे बेटे से शादी? वो कटा सर मीनाक्षी का था। सालों पहले शादी के बाद वो इसी रास्ते से डोली में अपने पति के साथ जा रही थी। अचानक शेर ने उसके पति पर हमला कर दिया। बचाओ बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ। लेकिन शेर ने उसके पति को मार दिया। उसके बाद शेर ने मीनाक्षी की ओर इशारा किया और उस पर भी हमला कर दिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बाद में शेर उसका धड़ लेकर झाड़ियों में चला गया और उसका सिर इधर ही रह गया। मीनाक्षी की मौत असमय हो गई थी, इसलिए उसकी आत्मा इधर ही भटकती रही। उस दिन तेरा बेटा जब झाड़ियों के पास सुसु कर रहा था, तभी से मैं इसके पीछे पड़ गई, क्योंकि ये मुझे पसंद आ गया था। मैं तो उसी दिन इसे मारकर शादी कर लेती, लेकिन उसका वो दोस्त हमारे रास्ते आ गया और मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन आज मैं तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगी, इसे मारकर शादी करूंगी इससे, ये बनेगा मेरा दूल्हा। ये कहकर वो कटा हुआ सिर हवा में फिर से उड़ने लगा। लेकिन पंकज की माँ पूरी तैयारी के साथ थी। उसने उसी समय रुद्राक्ष की माला को अपने साथ लाए गंगा जल के लोटे में डुबोया और उसे उस कटे सिर की ओर उछाल दिया। रुद्राक्ष की वो माला कटे हुए सिर में जा फंसी। उसके बाद, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया ये? मुझे जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है, बचाओ मुझे बचाओ। पल भर में वो कटा सिर जलकर खाक हो गया। रुद्राक्ष और गंगा जल के कारण उस चुड़ैल को मुक्ति मिल गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।